हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गोस्ट अप। बिहार दरोगा मुख्य परीक्षा 2020 के लिए हम लोग जीके जीएस की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें आज हम लोग देखेंगे सेट नंबर 21 को। ये हमारा लास्ट सेट होगा, ठीक है। 20 सेट हम लोग देख चुके हैं। जो लोग चैनल पर नए होंगे, पहले 20 नंबर तक जाके देख लेंगे सेट को और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देंगे। देखते हैं आज के टोटल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर और गांधी सागर, ठीक है। जलाशयों का निर्माण निम्नलिखित में से किस नदी पर किया गया है? कोसी नदी पे, नर्मदा पे, यमुना पे या चंबल नदी पे किया गया है? तो ये चंबल नदी पे किया गया है तीनों का, ठीक है। कागज का आविष्कार सर्वप्रथम कहाँ पे हुआ था? देखिए, कागज का आविष्कार सर्वप्रथम पहले भी मैं बता चुका हूँ, पहले बहुत सारे ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो गया है, ठीक है। चीन में सबसे पहले हुआ था आविष्कार, और सबसे पहले जो प्रतियोगिता परीक्षा की शुरुआत भी चीन में हुई थी, ठीक है। रेशम का भी जन्मभूमि कहा जाता है, रेशम का भी यहीं से जन्मभूमि है, रेशम का शुरुआत हुआ है यूज करना यहीं से। समुद्र तट से बिहार की ऊंचाई क्या है? 178 फीट है, 189 फीट है, 153 फीट है या 161 फीट है? तो समुद्र तट से जो बिहार की ऊंचाई है वो 161 फीट है। जिप्सम का प्रयोग किस प्रकार के मृदा में किया जाता है? जो लवणीय है, जल जमाव वाले जल में है, या मृतिका है, या क्षारीय है? तो जो ज्यादा क्षारीय बन जाता है, बेसिक नेचर का अगर बन जाता है, जो हमारा जमीन होता है, ठीक है, तो उसमें जिप्सम का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, उसको न्यूट्रल बनाने के लिए। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा मतदाता की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी? 61वें में, 59वें में, या 69वें में, या 65वें संविधान संशोधन में, ठीक है। तो 61वें में किया गया था, ये पहले भी इसका हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। और धारा नंबर जो 368 है, ठीक है, जो आर्टिकल 368 है, इसी में प्रावधान किया गया है कि जरूरत पड़ने पे संविधान के जो आर्टिकल है उसमें क्या संशोधन किया जा सकता है, ठीक है। तो ये 61वें संविधान संशोधन में किया गया था। 21 वर्ष पहले आयु था, मिनिमम आयु होना चाहिए 21 वर्ष, तभी वोट दे सकते हैं, लेकिन अभी 18 वर्ष हो गया है। नेक्स्ट है, सदाबहार वर्षा वन कहाँ पे पाए जाते हैं? ऑस्ट्रेलिया में, ब्राजील में, कनाडा में या फ्रांस में? तो सदाबहार जो वन होते हैं वो ब्राजील में पाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौरा चौरी की घटना कब हुई थी? 1942 में, 1922 में, या 1932 में, या 1920 में ये घटना हुई थी? चौरा चौरी की घटना सबको पता होगा कि 1922 में हुई थी, ठीक है। 5 फरवरी 1922 को चौरा चौरी की घटना हुई थी। नेक्स्ट है, पौट जल क्या है? बताइए पौट जल क्या है, ये कितना बार क्वेश्चन रिपीट हो गया है। कौन धारी वन प्रदेशों में पाई जाने वाली एक मिट्टी है? तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को हम लोग 2 से 3 बार रिपीट कर चुके हैं पूरे सेशन में। नेक्स्ट है, लेसन लाइफ टॉट मी, ठीक है, लेसन लाइफ टॉट मी अनविलिंगली, इसके लेखक कौन है बताना है? किसकी अकीद की आत्मकथा है ये बताना है? ऋषि कपूर की है, अनुपम खेर की, अनिल कपूर की है, या सुनील शेट्टी की है? तो लाइफ लेसन टॉट मी अनविलिंगली ये अनुपम खेर की आत्मकथा है, ठीक है। पृथ्वी अपने अक्ष के परितः 1 डिग्री देशांतर कितने समय में घूमती है? 1 माह में, 1 घंटे में, 4 दिन में, या 1 मिनट में ये घूम जाती है? तो ये 4 घंटा में 1 मिनट देशांतर की ओर घूम जाती है, ठीक है। जैसे ये हो गया आपका पूरा, ठीक है। ये देखिए, यहाँ से जो यहाँ पे पोल है, यहाँ पे नॉर्थ पोल हो गया, साउथ पोल, नॉर्थ पोल से साउथ पोल को कनेक्ट करने वाली जितनी भी रेखाएं होती है उसको देशांतर या लॉन्गिट्यूड कहा जाता है, ठीक है। तो इसमें टोटल 360 लॉन्गिट्यूड होता है, नंबर ऑफ पूरा अगर ग्लोब में देखा जाए तो 360 लॉन्गिट्यूड मिलेगा। तो ये हरेक क्या होता है कि हरेक एक जो रेखा है 1 डिग्री पे है, और ये 1 डिग्री मूव करने में 4 मिनट का समय लग जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है बताइए? वीर या योद्धा, विद्वान है, यज्ञकर्ता है, या श्रेष्ठ या कुलीन है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, श्रेष्ठ या कुलीन। पंबन द्वीप स्थित है भारत व श्रीलंका के बीच में, जापान व कोरिया के बीच में, यूके एवं फ्रांस के बीच में, या भारत और पाकिस्तान के बीच में? तो जो पंबन द्वीप है ये भारत और श्रीलंका के बीच में एक द्वीप है, ठीक है। वह देश जो लैंड ऑफ कोऑपरेटिव के रूप से जाना जाता है उसको कौन सा देश कहते हैं? नॉर्वे को कहते हैं, पोलैंड को कहते हैं, नीदरलैंड को कहते हैं, या डेनमार्क को कहते हैं? तो ये डेनमार्क को कहा जाता है, ठीक है, जिसका राजधानी कोपेनहेगन है। मानचित्र पर सागर की लवणता को दर्शाया जाता है, किस चीज से दर्शाया जाता है बताइए? आइसोगोनिक रेखा द्वारा, आइसोहेलाइन रेखा द्वारा, आइसोक्लाइन रेखा द्वारा, या आइसोहेल रेखा द्वारा दर्शाया जाता है? तो ये आइसोहेलाइन रेखा द्वारा दर्शाया जाता है लवणता को। ब्रह्म विष्णु महेश, ठीक है, ब्रह्मा विष्णु महेश की मूर्ति वाला प्रसिद्ध मंदिर किस शहर में है? रामेश्वरम में है, सुचिदंबरम में है, मदुराई में है, या चिदंबरम में है? तो ये मंदिर कहाँ पे है? ये सुचिदंबरम में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
गुड फ्राइडे किससे संबंधित है? ईसा के जन्म से, ईसा की सूली, ईसा की सूली चढ़े थे तब से, या ईसा के पुनर्जन्म से, या अंतिम योजना से? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जब ईसा को सूली पर चढ़ाया गया था, ठीक है, तो उस तभी से क्या किया जाता है, गुड फ्राइडे मनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, उत्तर पश्चिम भारत में शरद ऋतु में वर्षा का कारण क्या है? पश्चिमी आवदाब है, दुर्बल होता मानसून है, व्यापारिक पवन है, या दक्षिण पश्चिम मानसून है, जो उत्तर पश्चिम का जो एरिया होता है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि जैसे ये हो गया, यहाँ पे ये भारत का ये नक्शा हो गया, उत्तर पश्चिम, उत्तर उत्तर और पश्चिम के मानसून के बारे में बात हो रहा है। ये उत्तर हो गया पश्चिम, इधर वाली का जो मानसून होता है, उत्तर पश्चिम जो होता है, इधर जो होता है वर्षा, शरद ऋतु में वर्षा का कारण क्या है, ये चीज बताना है, ठीक है। तो ये होता है पश्चिमी जो आपदा होता है उसी के कारण होता है। सरदार सरोवर बांध किस नदी पे बनाया गया है? बेतवा नदी पे, कावेरी नदी पे, नर्मदा नदी पे, या साबरमती नदी पे बनाया गया है? तो सरदार सरोवर जो बांध है वो नर्मदा नदी के तट पे बनाया गया है, ठीक है। कुछ कुछ चीज के बारे में हम लोग देख लेते हैं, जैसे सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी, माटा टीला परियोजना जो है बेतवा नदी पे है, भीमा परियोजना पौना नदी पे है, बांध सागर परियोजना सोन नदी पर है, तिलैया परियोजना है बराकर नदी पे है, ठीक है। ये सब याद रखना है, एग्जाम में अक्सर इससे क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय पशु है, क्या चीज है भारत का राष्ट्रीय पशु? सबको पता ही होगा, बाघ है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के आपातकालीन की अवधारणा किस देश से ली गई है? कनाडा से, जर्मनी से, इटली से, या आयरलैंड से? तो जो आपातकालीन का जो अवधारणा है वो लिया गया है जर्मनी से, ठीक है। नेक्स्ट है, संविधान के अनुच्छेद 335 का संबंध किस विषय से है? कुछ सेवाओं में आलंग भारतीय समुदाय के लिए विशेष उपलब्ध कुछ उपबंध है, लोकसभा में अलंग भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व है, या अनुसूचित जातियों या जनजातियों के सदस्यों को नियुक्तियों में आरक्षण प्रशासन की दक्षता बनाए रखने की संगति के अनुसार, या मध्यावधि चुनाव कराने के लिए है? किसके किससे रिलेटेड है ये? इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? सैंडर्स हत्याकांड 1928, ठीक है, सैंडर्स का हत्याकांड जो हुआ था कब किया गया था? जब लाला लाजपत राय पे भगत सिंह ये किए थे सैंडर्स का मर्डर, ठीक है। तो जब लाला लाजपत राय पे लाठियों की वर्षा हुई थी और वो मर गए थे, ठीक है, तो उन्हीं का प्रतिशोध लेने के लिए, बदला लेने के लिए सैंडर्स को हत्याकांड किया गया था 1928 में, ये करेक्ट है। जनरल माइकल ओ डायर का हत्याकांड, जनरल डायर जो था इसका हत्याकांड के लिए ये बताना है कब से सम्मिलित नहीं है, ठीक है। तो ये भी करेक्ट आंसर है, इसी ईस्वी में हुआ था। अलीपुर षड्यंत्र कांड 1908 में, ये भी सही है, ठीक है। देखिए काकोरी कांड है, जो काकोरी कांड हुआ था ये जो हुआ था 1927 में नहीं हुआ था, ठीक है। काकोरी कांड जो होता हुआ था 1925 में हुआ था, 9 अगस्त 1925 को काकोरी कांड किया गया था, ठीक है। तो इसको याद रखना है सबको। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है, पूर्ति अपनी मांग स्वयं निर्धारित कर लेती है, यह उक्ति किसकी है बताना है? एडम स्मिथ की है, जेबी से की है, मार्शल की है, या रिकार्डो की है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, जेबी से। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, किस महिला टेनिस खिलाड़ी ने इटालियन ओपन 2019 जीता था? मारिया शारापोवा, जोहाना कोटा, कैरोलिना प्लिस्कोवा, या सेरेना विलियम्स के द्वारा जीता गया था? तो ये जीता गया था कैरोलिना प्लिस्कोवा। नेक्स्ट है, डायनासोर काल से जुड़ा हुआ बताया है, किस काल से जुड़ा हुआ है? पाइलोजोइक युग से जुड़ा हुआ है, साइनोजोइक युग से जुड़ा हुआ है, मेसोजोइक युग से जुड़ा हुआ है, या प्लाइस्टोसीन युग से जुड़ा हुआ है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, माइजो युग से जुड़ा हुआ है, ठीक है, मेसोजोइक युग से। नेक्स्ट है, कितने तापमान पर इंजाइम्स जो होता है निष्क्रिय हो जाते हैं बताइए? 37 डिग्री और ऊपर इससे ऊपर, या 30 डिग्री या इससे ऊपर, 40 डिग्री इससे ऊपर, या 45 डिग्री इससे ऊपर? तो जो इंजाइम होते हैं, ठीक है, वो निष्क्रिय हो जाते हैं, वो एक्टिव नहीं होते हैं, डीएक्टिव हो जाते हैं, ठीक है, वो रिएक्शन नहीं करते हैं, वो 45 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक तापमान पे। अशुद्ध रक्त हृदय में आता है, कहाँ से आता है बताइए? दाहिने आलिंद से आता है, बाएं आलिंद से आता है, दाहिने नीले से आता है, या बाएं नीले से आता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दाहिने आलिंद से आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पालतू जीवों का प्राकृतिक अभ्यारण कहाँ पे स्थित है? भरतपुर में है, बेल्लोर में है, चिल्का में है, मंडाला में है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भरतपुर में है। रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार 2019 राणा दास गुप्ता को उनके किस उपन्यास के लिए प्रदान किया गया था? टोक्यो कंसील्ड, सोलो, स्वीपर,
या स्वीपर या कैपिटल गेंस के द्वारा, तो इनको मिला था 16 पे। मौर्यकालीन इतिहास के बारे में जानकारी उपलब्ध कराने वाले जो ग्रंथ इंडिका है, इसके रचना कौन है, किसने रचना किया था इंडिका का, फायान किया था, चाणक्य किया था, प्लिन किया था या मेगास्थनीज के द्वारा किया गया है, तो ये मेगास्थनीज के द्वारा जो है इंडिका की रचना की गई थी। और जो मेगास्थनीज था वो सेलुकर निकेटर का राजदूत था, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार पूरी तरह समाप्त करने का वर्ष कब है बताइए, 1813 में, 1823 में, 1833 में या 1858 में, तो इसका करेक्ट आंसर होगा 1858 में, ऑप्शन नंबर डी। स्वदेशी आंदोलन का सर्वाधिक प्रभाव किस क्षेत्र पर पड़ा है, सांस्कृतिक पे, आर्थिक पे, सामाजिक पे या राजनीतिक पे, तो ये पड़ा है आर्थिक क्षेत्र पे प्रभाव। अब तक के समस्त मानव जीवन का इतिहास वर संघर्ष का इतिहास है, यह कथन किसका किसके द्वारा कहा गया है, लेनिन के द्वारा कहा गया है, मार्क्स के द्वारा कहा गया है, माओ के द्वारा या स्टालिन के द्वारा कहा गया है, ये कथन जो है ये मार्क्स के द्वारा कहा गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा संस्कृति निम्न में से किस काल से संबंधित मानी जाती है बताइए, प्रस्तर युगीन से, ताम्र युगीन से, कांस युगीन से या लौह युगीन से माना जाता है, तो ये माना जाता है कांस युगीन से। नेक्स्ट है, वैदिक कालीन लोगों ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था, लोहा का, कांसा का, तांबा का या सोना का, तो सबसे पहले तांबा का ही यूज किया था। सर्वप्रथम चारों आश्रमों के विषय में जानकारी कहाँ से मिलती है बताइए, चारों आश्रमों के कहाँ से, किस उपनिषद से मिलती है ये बताना है, जवालोपनिषद से मिलती है, छंदोग्यो उपनिषद से मिलती है, मांडुको उपनिषद से मिलती है या कठो उपनिषद से मिलती है, इसकी जानकारी मिलती है जवालोपनिषद से। नेक्स्ट है, किस वंश के शासक ने, ठीक है, छात्रा प्रणाली का प्रयोग किया, कुषाणों ने किया था, हिंद यवनों ने किया था, ईरानियों ने किया था या शकों ने किया था, तो ये शक जो शासक थे वो किए थे छत्रप प्रणाली का, ठीक है, प्रयोग। और इस काल में राजपाल जो होते थे, राजपाल को छत्रप कहा जाता था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद गजनवी के भारत पर आक्रमण के समय भारत आए विद्वान अलबरूनी ने किस महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की है बताइए, किताबुल खिराज की, किताबुल हिंद की, किताबुल रहला की या उपरोक्त सभी, सभी की है बताइए, किसकी की है, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, किताबुल हिंद की रचना की है। नेक्स्ट है, सेना को दशमलव प्रणाली, ठीक है, के आधार पर संगठित करने की व्यवस्था दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान के द्वारा किया गया था, बलवन के द्वारा, इल्तुतमिश के द्वारा, मोहम्मद तुगलक के द्वारा या अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया था, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, ठीक है, डी, अलाउद्दीन खिलजी था। इसका जो सेना था बहुत ही स्ट्रांग था और ये बहुत ही इसका जो प्रशासनिक व्यवस्था था बहुत ही कड़क था इसका, ठीक है, ये अलाउद्दीन खिलजी ने इसका शुरुआत किया हुआ था, दशमलव प्रणाली के आधार पर सेना को संगठित करना। नेक्स्ट है, भारत का तृतीय हिंद किसको कहा जाता है बताइए, जियाउद्दीन बरनी को, इब्न बतूता को, अमीर खुसरो को कहता है या समझे सिराज असीफ को कहा जाता है, तो ये कहा जाता है अमीर खुसरो को कहता है तृतीय हिंद। नेक्स्ट है, धर्म के प्रति उदार दृष्टिकोण के कारण अकबर ने 1575 ईस्वी में इबादत खाना धर्म संसद की स्थापना किस स्थान पर की थी, आगरा में, दिल्ली में, फतेहपुर में या अजमेर में किया था, तो ये फतेहपुर में किया हुआ था, ठीक है, यूपी का एक शहर है, फतेहपुर में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूप चित्र का निर्माण किसके समय में शुरू हुआ था, बाबर, हुमायूं, अकबर या जहांगीर के समय में, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अकबर के शासनकाल में। निम्न में से किसने पानीपत तृतीय युद्ध में संगठित मराठा सेना का नेतृत्व किया था, दाताजी सिंधिया या विश्वास राव या सदा शिवराव भाऊ ने या मल्हार राव होलकर ने किया हुआ था, इसका करेक्ट आंसर होगा सदा शिवराव भाऊ के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है, जहां केवल कायरता और हिंसा के बीच चुनाव करना हो वहां मैं चाहूंगा कि अपनी बेइज्जती को, ठीक है, असहाय नजरों से देखते रहने के बदले भरत अपनी प्रतिष्ठा की रक्षा करने के लिए हथियारों का सहारा लें, ठीक है, यह कथन किसका है, सुभाष चंद्र बोस है, शरद पटेल है, लोकमान तिलक है या गांधी है, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, महात्मा गांधी। नेक्स्ट है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में हिंदी को सर्वप्रथम राष्ट्रभाषा के रूप में प्रयुक्त किया गया था, कोलकाता अधिवेशन जो हुआ था 1917 में या बेलग्राम हुआ था 1924 में, कानपुर हुआ था 1925 में या 1929 में, लाहौर अधिवेशन हुआ था उसमें, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बेलग्राम में जो हुआ था 1924 में
ठीक है, अधिवेशन, उसमें राष्ट्र, उसमें सर्वप्रथम राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी को माना गया था, ठीक है। और इसकी अध्यक्षता जो कर रहे थे बेलगांव की, वो महात्मा गांधी के द्वारा किया जा रहा था। निम्नलिखित में से किस पर्वतमाला को सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है, सतपुड़ा, पश्चिमी घाट, अरावली या पूर्वी घाट? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पश्चिमी घाट को। सर्वोच्च के समय, ठीक है, सूर्योच्च लिखा हुआ है, सूर्योच्च के समय पृथ्वी के सूर्य की दूरी कितनी होती है, 14.2 करोड़ किलोमीटर, 15.2 करोड़ किलोमीटर, 14.7 करोड़ मीटर, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 15.2 किलोमीटर। नेक्स्ट है एस्किमो द्वारा, ठीक है, एस्किमो लोगों द्वारा टुंड्रा क्षेत्र में, टुंड्रा जो रीजन होता है क्षेत्र में, बर्फ के टुकड़े की सहायता से बनाए गए अर्धगोलाकार आवासों को क्या कहा जाता है, यूर्ट कहा जाता है, इजवा कहा जाता है, क्राउल कहा जाता है, या इग्लू कहा जाता है? तो इसको इग्लू कहा जाता है। नेक्स्ट है संविधान संशोधन विधेयक सर्वप्रथम कहाँ प्रस्तुत किया जा सकता है, लोकसभा में, राज्यसभा में, विधानसभा में, या संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है? तो ये सबसे पहले लोकसभा में, अगर किसी भी संविधान का संशोधन करना है, ठीक है, तो लोकसभा में प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होता है। राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की घोषणा, उद्घोषणा के कितने दिन के भीतर संसद की स्वीकृति आवश्यक होती है, 7 दिन, 15 दिन, 1 माह या 3 माह? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कम से कम 1 माह होना चाहिए समय। मंत्रिपरिषद तब तक पद पर बना रहेगा जब तक उसे निम्न में से किसका विश्वास प्राप्त न हो, किसका विश्वास प्राप्त हो, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद का, या लोकसभा का? तो लोकसभा का होता है। लोकसभा के अध्यक्ष को कौन पद की शपथ ग्रहण करवाता है, बताइए, राष्ट्रपति करवाते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कराते हैं, या निवर्तमान लोकसभा अध्यक्ष कराते हैं, या शपथ ग्रहण की आवश्यकता ही नहीं होती है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लोकसभा के अध्यक्ष बनने के लिए कोई शपथ ग्रहण नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट है यदि संसद के एक सदन का कोई सदस्य दूसरे सदन के लिए भी निर्वाचित हो जाता है तो पहले उसका स्थान कब से रिक्त हो जाता है, बताइए, अन्य सदन के लिए निर्वाचन होने वाले दिन से, अन्य सदन के लिए निर्वाचन होने से 14 दिन बाद, अन्य सदन के लिए सदस्यता के लिए शपथ ग्रहण वाले दिन से, या अन्य सदन के लिए निर्वाचित होने के 30 दिन के भीतर जब भी वह पहले सदन की सदस्यता त्याग दे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, अन्य सदन की सदस्यता के लिए शपथ ग्रहण करने वाले दिन से सदस्यता समाप्त हो जाती है। नेक्स्ट है सर्वोच्च न्यायालय में न्यायिक कामकाज के लिए किस भाषा का उपयोग किया जाता है, बताइए, अंग्रेजी का, हिंदी का, हिंदी और अंग्रेजी दोनों का, या संविधान के 8वें अनुसूची में शामिल किसी भी भाषा का किया जा सकता है सर्वोच्च न्यायालय में उसका डिस्कशन? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अंग्रेजी में किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है लोकसभा का सचिवालय निम्न में से किसके अंतर्गत कार्य करता है, राष्ट्रपति के, गृह मंत्रालय के, संसदीय मामलों के मंत्रालय के, या लोकसभा के अध्यक्ष के? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष के। नेक्स्ट है ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया था, ये क्वेश्चन का हम लोग बार बार डिस्कशन कर चुके हैं, ग्रहों की गति केपलर ने दिया हुआ था, सौर जो प्रणाली है वो का खोज कोपरनिकस के द्वारा किया गया है, ठीक है, गैलीलियो दूरबीन का खोज किया हुआ था, न्यूटन फोर्स लॉ ऑफ मोशन का खोज किया हुआ है। दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक क्या होगा, बताइए, जब दाब बढ़ेगा तो बर्फ का गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा, घटेगा, बढ़ेगा, अपरिवर्तित रहेगा, या पहले घटेगा और फिर बढ़ेगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जब दाब बढ़ा देंगे तो गलनांक घट जाएगा, वो बहुत ही धीरे धीरे ये करके घटना हो जाएगा, कम टेम्परेचर पे वो घटना शुरू कर देगा, ठीक है। नेक्स्ट है भसीन पुरस्कार दिया जाता है शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, या धार्मिक क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। अर्जुन पुरस्कार प्रारंभ हुआ था कब, सन 1961 से, सन 1963 से, सन 1962 से, या सन 1964 से शुरू हुआ था? तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, सन 1961 से शुरू हो गया था। अर्जुन पुरस्कार जो होता है खेल विभाग में भारत सरकार द्वारा प्रदान की जाती है। पिनाक क्या है, बताइए, जमीन से हवा में मार करने वाला प्रक्षेप पात्र है, या बहुबैरल रॉकेट प्रणाली है, पनडुब्बी है, या युद्ध टैंक है? जो पिनाक है इंडिया का बहुत ही फेमस है ये, ठीक है, तो ये एक तरह का बहुरैल रॉकेट प्रणाली है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस खेल में फ्री थ्रो दिया जाता है, वॉलीबॉल में, बास्केटबॉल में, बैडमिंटन में, या क्रिकेट में दिया जाता है? तो ये बास्केटबॉल में दिया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा पौधे के तने के माध्यम से प्रजनन होता है, बताइए, ब्रायोफाइलम में,
इमली में, ब्रायोफाइटा में या गुलाब में होता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, देखिए गुलाब का जो पौधा होता है अगर उसका डाली काट के कहीं भी लगा देते हैं तो वो धीरे धीरे करके वो लग जाता है। ठीक है, जी का मान बताना है। विषुवत रेखा पर अधिक और ध्रुव पर कम होता है। पृथ्वी के केंद्र की ओर जाने पर कम होता है। पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर बढ़ता है या नियत रहता है कहीं पे भी जाएंगे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, पृथ्वी के केंद्र की ओर अगर हम लोग जाएंगे तो कम होता है। इनमें से कौन सी सबसे लंबी नदी है जिसका उद्गम भारत में है बताना है। महानदी है, झेलम है, ब्रह्मपुत्र है या गंगा नदी है। इसका करेक्ट आंसर सबको पता ही होगा, भारत की सबसे लंबी नदी जो है वो गंगा नदी है और उत्तराखंड के गंगोत्री से ये नदी निकलती हुई है। ठीक है, नेक्स्ट है सीओए। ठीक है, सीओ जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड कहा जाता है, इसको क्विक लाइम कहा जाता है। और इसमें अगर पानी से अभिक्रिया करा दिया जाता है तो बन जाता है CaOH2। हम लोग पहले भी डिस्कशन कर चुके हैं, जिसका मतलब होता है वो स्लैग लाइम हो जाता है, बुझा हुआ चूना होता है। ये अनबुझा चूना का रासायनिक फॉर्मूला है। तो बताना है कि इसका जो मास है वो कितना होता है। ठीक है, तो मास कैलकुलेट करने से पहले CaO का मास कैलकुलेट करेंगे। देखिए कैल्शियम का परमाणु संख्या 20 होता है, इसका मास एटॉमिक मास हो जाता है 40। 40 हो जाएगा प्लस, ठीक है, ए होता है CA, कैल्शियम हो गया, अब CA हो गया। अब देखिए ऑक्सीजन का कितना होता है, 16 होता है। तो 40 में 16 जोड़ेंगे तो कितना जाएगा, 56 यूनिट आ जाएगा। यहाँ पे ग्राम में नहीं कैलकुलेट होता है, यूनिट में कैलकुलेट होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में से किस प्रतिक्रिया में उष्मीय ऊर्जा निर्मित होती है बताइए। उत्सर्जन में, परिसंचरण में, पाचन में या श्वसन में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जब सांस हम लोग लेते हैं तो उष्मीय ऊर्जा क्या होती है, उसमें निर्मित होती है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु जल के साथ आसानी से अभिक्रिया कर सकती है। लेड है, एल्युमिनियम है, जिंक है या पोटेशियम है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, पोटेशियम हो या सोडियम हो, सारे पानी से बहुत ही जल्दी रिएक्ट करता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित रोगों में से कौन सा एक अनुवांशिक विकार है। अनुवांशिक मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाला जो रोग है। एनीमिया है, कैंसर है, थैलेसीमिया है या रतौंधी है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, थैलेसीमिया जो बीमारी होता है यह एक तरह का अनुवांशिक बीमारी होता है। चाहे आप वर्ण बाधा जिसको कलर ब्लाइंडनेस जो होता है, हीमोफीलिया हो जाता है या टर्नर सिंड्रोम होता है, कुछ कुछ ये सब जो बीमारी होते हैं ये अनुवांशिक बीमारी होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान भारत में डैश में हिमालय क्षेत्र में स्थित है। कहाँ पे, सिक्किम में, अरुणाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में या हिमालय प्रदेश में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तराखंड में। धुवन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है, जो धोने वाला सोडा होता है, ठीक है, वॉशिंग पाउडर जिसको हम लोग कहते हैं, उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है ये बताना है। तो वो होता है, देखिए ये ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा, Na2CO3.10H2O। याद रखना है इसका, Na2CO3.10H2O। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉफी बोर्ड ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पे है। दार्जिलिंग में है, गुवाहाटी में है, बेंगलुरु में है या तिरुअनंतपुरम में है। कॉफी बोर्ड कहाँ पे है, बेंगलुरु में है इसका मुख्यालय। गति का प्रथम नियम डैश की परिभाषा देता है, वेग की, त्वरण की, बल की या विस्थान्तर की दिया जाता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बल का परिभाषा देता है। ठीक है, जड़त्व जो होता है, जड़त्व का जो परिभाषा है प्रथम नियम, जड़त्व एक तरह का बल होता है। ठीक है, जड़त्व का ही नियम को कहा जाता है प्रथम नियम, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन। सबसे ग्रैंड स्लैम शब्द डैश से संबंधित है, लॉन टेनिस से, फुटबॉल से, कार दौड़ से, क्रिकेट से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ये लॉन टेनिस से संबंधित है, ग्रैंड स्लैम याद रखना इसको। ध्वनि डैश का एक रूप है जो सुनने की अनुभूति पैदा करती है, यांत्रिक ऊर्जा, ठीक है, अनुगूंज, विद्युत चुंबकीय तरंग या कंपन ऊर्जा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यांत्रिक ऊर्जा। ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा का ही एक रूप होता है। और ध्वनि कभी भी पैदा होता है, एग्जाम में पूछा है ध्वनि किस प्रकार पैदा होता है, तो कंपन से यानी वाइब्रेशन से ध्वनि पैदा होता है। किसी भी निकाय को एक समान वृत्तीय गति में चलाने में लगने वाले आवश्यक नियत बल को डैश कहा जाता है। यांत्रिक बल, अभिकेंद्रीय बल, गुरुत्वाकर्षण बल कहा जाता है या अपकेंद्रीय बल कहा जाता है, तो इसको अभिकेंद्रीय बल कहा जाता है। नेक्स्ट है, बर्फ पानी पर इसीलिए तैरती है क्योंकि बर्फ ठोस होती है और पानी तरल होती है। देखिए इसका मेन रीजन क्या होता है, जब डेंसिटी, वाटर का डेंसिटी अगर उस पे रखे गए कोई भी अगर मटेरियल है उसका डेंसिटी से अगर ज्यादा हो जाए वाटर की डेंसिटी, तो वो चीज तैरने लगेगा। तो जो वाटर का जो डेंसिटी होता है वो बर्फ की डेंसिटी से काफी ज्यादा होता है, इसीलिए वो तैरने लगता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो बर्फ का घनत्व होता है, ठीक है, वो पानी से अपेक्षाकृत कम होता है। इसीलिए देखिए समुद्र का पानी हमारे, हम लोग तैरना आसान होता है, क्यों, क्योंकि समुद्र का जो पानी होता है जिसका डेंसिटी हमारे बॉडी का जो डेंसिटी होता है
उसमें तैरना आसान होता है क्योंकि बॉडी का हमारा डेंसिटी उससे अपेक्षाकृत कम हो जाता है, ठीक है, इसको याद रखना है। जब डेंसिटी कम रहेगा तभी वो तैर पाएगा, जो लिक्विड जिसपे तैरना है। समुद्र में डूबी वस्तु का पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, सोनार का, रडार का, लेजर का या मेसर का यूज किया जाता है? तो समुद्र में सोनार का यूज किया जाता है वस्तुओं को जो मिल नहीं पाता है उस वस्तुओं का पता लगाने के लिए। निम्न कण एक ही गतिज ऊर्जा के साथ चल रहे हैं, उनमें से सबसे अधिक संवेग किसका है, इलेक्ट्रॉन का, प्रोटॉन का या न्यूट्रॉन का है या अल्फा कण का है? तो सबसे ज्यादा जो होता है वो अल्फा कण का होता है। जंगरोधी इस्पात जिसको स्टेनलेस स्टील कहा जाता है, ठीक है, के निर्माण में इस्पात का मिश्रण जो होता है मिश्र धातु किससे होता है, ताम्र और निकल से होता है, ताम्र और क्रोमियम से होता है, क्रोमियम और निकल से होता है या मैग्नीज और ताम्र से होता है? तो ये क्रोमियम और निकल के साथ मिलाया जाता है तब बनता है स्टेनलेस स्टील, जिसमें स्टेनलेस स्टील का कोई भी अगर प्रोडक्ट होगा तो उसमें जंक कभी नहीं लगता है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आज का हमारा, अम्लीय वर्षा में प्राय क्या अधिक मात्रा में होता है, कार्बनिक अम्ल होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, नाइट्रिक अम्ल होता है या सल्फ्यूरिक अम्ल होता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सल्फ्यूरिक एसिड सबसे ज्यादा होता है एसिड रेन में, इसको याद रखना है, ये भी क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा हुआ है। तो ये थे आज के हमारे टोटल क्वेश्चंस, उम्मीद करते हैं वीडियो सबको पसंद आया होगा। तो अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के बीच में, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।